सब्सक्राइब कीजिए प्रतियोगिता मंत्र चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले। बच्चों, ये इंडियन इकोनॉमी का यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराए थे, जो SSC व रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो आ जाएगी। इसी के साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वो लेक्चर अटेंड कर लेना। इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सकें। चलिए आप हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब 6 प्रकार की अर्थव्यवस्था है जो आपको पढ़नी है SSC और रेलवे एग्जाम्स के लिए। पहली है समाजवादी केंद्रीय अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट सेंट्रल और कमांड इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका ज्यादा होती है और निजी क्षेत्रों की भूमिका कम होती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन होता है, मतलब राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। अगला पॉइंट लिखिए, सब में समानता होती है। इस अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समाजवादी केंद्रीय अर्थव्यवस्था किस देश की है तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है रूस। आखिरी पॉइंट लिखिए, इसमें लो कंपटीशन होता है और लो ग्रोथ होती है। सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कम होती है और निजी क्षेत्रों की भूमिका ज्यादा होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानता होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेसज फेयर या अहस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। SSC कई बार ये सवाल पूछ चुकी है कि लेसज फेयर, इंग्लिश में लेसे फेयर, ये टर्म किससे रिलेटेड है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लेसज फेयर यानी लेसे फेयर इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। अब लिखिए अगला पॉइंट, इसमें बाजार की शक्तियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं, जैसे USA, फ्रांस और UK की अर्थव्यवस्था। आखिरी पॉइंट लिखिए, इस अर्थव्यवस्था में हाई कंपटीशन, हाई ग्रोथ और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी लिखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं निहित होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उद्देश्य लाभ व सामाजिक कल्याण दोनों होते हैं। स्टार लगाकर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस था। बाद में फ्रांस ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आप नोट करिए फोर्थ टाइप ऑफ इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है, यह अपने आप को समय और आवश्यकता के अनुसार बदल लेती है। ये अर्थव्यवस्था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे SSC का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। इसमें बहुत बार ये पूछा जाता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था किस देश की है। इसका बस एक ही उदाहरण है, चीन। नोट कर लीजिए, केवल चीन की ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। आखिरी दो अर्थव्यवस्था के प्रकार बड़े ही आसान है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप नहीं होंगे। लिखिए फिफ्थ टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है खुली अर्थव्यवस्था और सिक्स्थ टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है बंद अर्थव्यवस्था।
पहले खुली अर्थव्यवस्था के बारे में लिखिए। जिस देश में आयात और निर्यात की परमिशन हो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब लिखिए बंद अर्थव्यवस्था। जिस देश में आयात निर्यात की परमिशन ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपको किसी चीज की परमिशन मिल जाएगी तो आपके लिए उस चीज का रास्ता खुल जाएगा, और अगर रास्ते पर जाने की परमिशन नहीं है मतलब रास्ता आपके लिए बंद है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर परमिशन है तो खुली अर्थव्यवस्था, और अगर परमिशन नहीं है तो बंद अर्थव्यवस्था। आप अगर मेरा लेक्चर पहली बार ले रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नेक्स्ट इकोनॉमी का लेक्चर होगा नेशनल इनकम पर। ये इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद हैं, खास करके SSC CGL CHSL CPO MTS और रेलवेज RRB के लिए। UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक्स करना चाहते हैं तो वो भी ये लेक्चर्स अटेंड करके नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।